सभी वरिष्ठ, मेरे वरिष्ठ जिनका नाम सुन रहा हूँ और यहाँ उपस्थित गोपालक बंधु, आप लोगों की सभी की पीड़ा संदर्भ में अभी जो हम सब सुन रहे हैं उस विषय में अभी एक वक्ता रमेश भाई जी ने अभी एक बात कही कि गोपालकों की जो भी ये समस्या होती रही है और प्रशासन की तरफ से जो भी जोर जबरदस्ती आप लोगों पर पहले भी होती रही है, उसमें कभी समाज के, आपने बताया कि कभी आप हमारे समाज के बड़े लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, इसके लिए आपके साथ खड़े नहीं रहे। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब भी विगत दिनों आप ही के अपने समाज के ही सामाजिक संस्थाओं ने जब ये मैटर कोर्ट में विचाराधीन था, जब ये चल रहा था, तभी एक ऐसी मीटिंग पशुपालकों की, गौपालकों की हुई थी और भी बीच बीच में मीटिंग्स हुई जिसमें मैं स्वयं गई थी और वहाँ ये सब विचार कि किस तरीके से जो सबने आज प्रस्तुत किए हैं कि एक षड्यंत्र के तहत कैसे आपके व्यवसाय को खत्म करने की कोशिश जो सब लोगों ने आज यहाँ पे प्रस्तुत कर ही दिया है, वही चर्चाएं सब वहाँ हुई और क्योंकि उस समय विचाराधीन था कोर्ट में तो ये तय हुआ था कि आगे जो भी निर्णय आएगा हम सब उसमें खड़े होंगे और एक साथ इस बात पर कमेटी बना करके और जो भी हम लोग फैसला ले करके उस पर आगे एक आंदोलन करेंगे या जो भी जिसका जो फैसला होगा वो हम लोग उस पर करेंगे। अभी जब हाल ही के दिनों में जो दो सबसे प्रमुख वाक्या इसके संदर्भ में जो नदेश्वर पे और आपने देखा गढ़वासी टोला का जब आया, तो सबसे पहले वहाँ के लोगों से संवाद में मैं उनसे जुड़ी, उनसे बात की। यहाँ पर ब्रजेश यादव डब्लू जी हैं, वो स्वयं गए वहाँ और लोगों से उन्होंने बात किया उसकी। जैसे ही आपने सुना होगा, सबसे पहले गढ़वासी टोला के लोगों को वहाँ से हटाया गया और प्रमुखता से खबरें आई। तो जब उनसे संवाद किया तो उन्होंने खुद कहा कि आधे से ज्यादा लोग तो वहाँ से खाली करके चले गए हैं और जो लोग थे जिनसे मेरी बात हुई उन्होंने कहा कि देखिए चूंकि हम लोग ये कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे थे और लड़ाई हम लोग हार गए, अपनी तरफ से भी लड़ रहे थे और कोर्ट का जो आदेश आया है वो तो मानना ही पड़ेगा। विचारशील अपने तमाम नेताओं से कहेंगे, आग्रह करना चाहेंगे कि एक बैठक आप बुलाने का प्रयास करें, चंद्रेश्वर जी, राजेश जी, एक बैठक और सारे लोगों को आमंत्रित करें, फिर देखिए आपके बीच में धुलिया पाठ लगाने के लिए बैठे इतने बड़े पहलवान सारे लोग आपके साथ, आपके कष्ट को हम अच्छी तरह समझते हैं, किसी की हैसियत नहीं है कि इस काशी की धरती से आप सब यानी गोपालकों को यहाँ से दूर किया जाए, हटाया जाए। सारे साथियों ने बताया, हाई कोर्ट के आदेश का उल्लेख किया कि हाई कोर्ट के आदेश में ऐसा कुछ नहीं, छुट्टा पशुओं को शहर से बाहर करने का आदेश है जिसकी लड़ाई हम सारे लोग लड़ रहे हैं, सारे सामाजिक कार्यकर्ता, सारे पार्टी के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं और काफी दिनों से लड़ रहे हैं। आपने जिक्र किया सांडों का जिससे तमाम मौतें हुई, शहर ठेले पलट लिए गए, लड़कियां इस स्कूटी से जा रही थी उनको उलट दिया गया, ब्रेन हैमरेज हो गया, मौत हो गई, उनके दरवाजे पर हम लोग गए। उनका सुध लेने वाला इस शहर में कोई नहीं है, न नगर निगम है, न काशी का प्रशासन, लड़ाई इसके खिलाफ लड़ रही। अगर हाई कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है कि आपको यहाँ से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर कर दिया जाए, भैया कैसे कर दिया जाए, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, हमारी गाय भैंस कैसे वहां रहेंगे, कौन उसकी व्यवस्था करेगा। हमारे मित्र ने बताया अमरदेव जी ने कि वहां पानी बिजली की व्यवस्था नहीं है, जगह चिन्हित कर दिया, तो
कोई चीज हो उसका समाधान स्पष्ट होना चाहिए, सामने होना चाहिए, जो आपकी समझ में आए। सबसे बड़ी बात हम आग्रह करना चाहेंगे, रामकृष्ण यादव जी पुराने नेता हैं, कि आपकी तरफ से भी हाई कोर्ट में तत्काल इसका परोक्ष रूप में जवाब जाना चाहिए। हमको भी आपकी समस्या से हाई कोर्ट को अवगत कराना चाहिए। तरस जाएंगे लोग गौ गणेश के लिए, गोबर के लिए तरस जाएंगे शहर में, लेकिन साथ आपका चाहिए। आप लड़ाई में धरने में मत आओ, आप प्रदर्शन में मत आओ, सांसद जी के नेतृत्व में हम लड़ाई लड़ेंगे। हमें राजनीति करनी है तो राजनीति का मतलब है समाज सेवा। हम समाज में अपना पूरा सेवा करने के लिए तैयार है, आप हमें बल दीजिए। अगर तय होता है कि आप डेयरी को नहीं देंगे, आप शहर में अपना दूध नहीं लेकर आएंगे, तब प्रशासन शासन को हम दबाव में ले सकते हैं। जो मंच तय करता है उसका पालन केवल आप करें, आप ना आवे धरना प्रदर्शन में, जिसके पास समय है वही आवे, लेकिन जो मंच तय करे उसको सारे लोगों को मानना चाहिए, ये मेरा मानना।